नमस्कार दोस्तों, आज अलगू ट्रेडिंग का सेकंड डे है। तो आज आपको मैं दिखा देता हूँ, आज 3000 का ये ओवरऑल लोज़ है, ये पेपर ट्रेडिंग और लाइव ट्रेडिंग दोनों का मिला के। कल 5000 का प्रॉफिट था यहाँ पे। आज क्यों लोज़ है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ आप देखिए, ये जो पेपर ट्रेडिंग का है इसमें आप देखेंगे तो 1% स्ट्रेंगल निफ्टी है, उस पर 1512 का लोज़ है। ये एडवांस डेल्टा ट्रेडल में भी लोज़ है। और ये ब्रह्मस निफ्टी सेलिंग, जो निफ्टी सेलिंग है ये डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल के हिसाब से काम करती है। जैसे आज डाउन ट्रेंड था तो डाउन ट्रेंड में इसने काम किया, तो उसके हिसाब से इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। लेकिन ये ऊपर जो आप देख रहे हैं स्ट्रेंगल और डेल्टा ट्रेडल, ये सब साइडवेज स्ट्रेटजी। और आज मार्केट बिल्कुल साइडवेज नहीं था, बहुत ही ट्रेंडिंग और वोलेटाइल मार्केट था। सारा डाउन ट्रेड में कम से कम 1000 पॉइंट का डाउनफॉल आया था। इस वजह से इसमें हमें लॉस देखने को मिला और इसमें हमें पेपर ट्रेडिंग में इसमें प्रॉफिट है। तो ओवरऑल इसमें इसने इसको कवर कर दिया है। लेकिन जो हमारा मेन अकाउंट है जहाँ पे हमने लाइव ट्रेडिंग किया है, वहाँ पे हमें अप्रोच 2500 के समथिंग लॉस है, क्योंकि हेजेस में प्रॉफिट है और जो स्ट्रेंगल जो हमने सेल किया था 2 लॉट उसमें हमें लॉस है। तो ओवरऑल आज का यह परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल थी। आज कम से कम 1000 पॉइंट का डाउनफॉल आया है, उसकी वजह से जो हमारे स्ट्रेंगल है काफ़ी, इसने कम से कम 500-600 पॉइंट तक इसका एसएल हिट नहीं हुआ। उसके बाद जैसे एकदम सडन स्पाइक आया उसके बाद इसलिए इनका एसएल हिट हुआ है। बाकी परफॉर्मेंस अच्छे करा इन्होंने। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें जो जैसे डायरेक्शन वाली है, डायरेक्शन वाली स्ट्रेटजी भी ऐड कर सकते हैं, और अगर साइड वाली तो साइड वाली भी आप चला सकते हैं।